Once again, we have to start with the next topic, that is profit and loss account. हमने trading and profit and loss account बनाना सीखा था, जिसके अंदर था कि जितने भी factory के expenses हैं, सारे के सारे trading में लेकर के जाना है. But अब हमने बनाना profit and loss account, that is for the year ended. जो भी आपको year given होगा trial balance के अंदर, वहाँ से आपने ले लेना है profit and loss for the year ended. Next, आपने carry करना है particulars amount and particulars amount. आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसके अंदर क्रेडिट साइड का जो बैलेंस था, क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या था, ग्रॉस लॉस. यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट अप. और यहाँ पे अपने डेबिट में क्या लेना है, इसके बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट अप. तो ग्रॉस लॉस ब्रॉट आउट एंड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट आउट. जो डेबिट का बैलेंस है वो आपने इसमें क्रेडिट में लेके जाना है. ट्रेडिंग में जो क्रेडिट का बैलेंस था वो आप उसको डेबिट में लेकर के जाएंगे. टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट आउट. नेक्स्ट, जितने भी इसमें हमने बेसिकली कौन कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं, आपने ट्रेडिंग में तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस ले लेते, इसमें हमने लेने हैं सारे के सारे ऑफिशियल एक्सपेंसेस. हमारे जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं वो सारे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट आउट. नेक्स्ट, टू ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस. एम्प्लॉयज हैं तो उनको सैलरी दी गई है, सैलरी एंड वेजेस वो भी हमने इसी में लेना है. टू एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब है आपने अपना मटेरियल बना करके सेल कर रहे हैं आउटसाइड द कंट्री, तो उसके ऊपर टैक्स लिया है, दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी. नेक्स्ट, टू डेप्रिसिएशन, कोई भी मशीनरी है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उस कम होने पे फॉल ऑफ दी एसेट की जो वैल्यू, उसको डेप्रिसिएशन में डाल देते हैं. जितना भी परसेंटेज दिया मशीनरी के ऊपर वो लगा देंगे. नेक्स्ट है, टू सेलिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे, लाइक टू बैड डेट्स का मतलब होता है कि किसी से पैसा लेना था वो दे नहीं रहा, वो पैसा डूब गया, दैट इज बैड डेट्स. टू डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दी है तो वो डेबिट होगा. टू कमीशन भी दे रहे हैं तो वो भी क्या होगी, डेबिट. टू कमीशन दी गई है तो वो डेबिट हो जाएगी. टू ट्रेड पे कुछ खर्चा किया है, जनरल एक्सपेंसेस, वो भी इसमें आएंगे. टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट सेल किया है, उसके ऊपर लॉस डेबिट होगा. अब क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया बाय कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो भी हमारी इनकम है, बाय कमीशन रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी हमारी इनकम है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. क्रेडिट, वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा. बाय बैड डेट्स, पैसा टूट गया था वो मिल रहा है तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, वो भी हमारा कहाँ पे आएगा, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा. बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्रेडिट होगा. बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डेबिट साइड में आ जाएगा. टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट. तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आ गया, टोटल किया. बैलेंस आएगा अगर हमारे डेबिट साइड का, तो उसको हमने किसमें डालना है, टू नेट प्रॉफिट. और कहाँ लेकर के जाएंगे, इसको बैलेंस शीट में. और यहाँ पे अगर डिफरेंस आता है क्रेडिट साइड का तो होगा बाय नेट लॉस. आपने क्या करना है, जितने भी आइटम्स डेबिट और क्रेडिट में लिखवाएंगे इनको लर्न करना है, और इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है. इससे बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जरूरी है. ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो आपने लेकर के जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारा बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट. तो आपका जो भी डाउट है वो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, और कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ, दैट इज बैलेंस शीट. थैंक यू फॉर टुडे.